जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी शाम के वक्त में यहाँ आती है और ये लगभग 30-35 साल पुराना शिव मंदिर है यहाँ पर। इस शिव मंदिर के दो साइड में, एक साइड तो मंदिर का ही परिसर था, इस मंदिर के परिसर को मुकम्मल तौर पे तोड़ के चली जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये मंदिर के ऊपर का गुंबद है जो बनाया गया था, ये आप देख सकते हैं पूरी नई कंस्ट्रक्शन हुई है। कंस्ट्रक्शन जिस समय हो रही थी, जिस समय इसको बनाया जा रहा था, उस समय ना तो JDA का कोई अधिकारी यहाँ पर आया, ना JDA का एनफोर्समेंट स्टाफ यहाँ पर आया। उस समय ये सारी कंस्ट्रक्शन जब मुकम्मल हुई, जब मंदिर तैयार हो गया, उसके बाद जाकर आज जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के कर्मचारी यहाँ पहुंचे और उन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर शिव मंदिर के एक पूरे पोर्शन को जो है गिरा दिया है, तोड़ दिया है। और उसके बाद मैं आपको दूसरा पोर्शन दिखाता हूँ, जिस दूसरे पोर्शन में नुकसान JDA ने आकर तोड़फोड़ की है। ये आप देख सकते हैं, इस तरफ ये दूसरा पोर्शन था, यहाँ लोगों के बैठने के लिए जगह थी, और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं और जो मंदिर से जुड़े हुए लोग, वो बताते हैं यहाँ पर हवन कुंड था, उस हवन कुंड को भी तोड़ दिया गया। उस हवन कुंड के साथ में ये आप देख सकते हैं सामने कुर्सियाँ हैं, ये कुर्सियाँ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने यहाँ पर लगवाई हैं, इन कुर्सियों को भी पूरे तरीके से डैमेज कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं जो लाइट ऊपर लगी हुई है, ये भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने लगवाई है। और यहाँ के चित्र हैं कि यहाँ पर डिप्टी मेयर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पर आए हैं, वो इस मंदिर के बारे में जानते हैं, इस प्राचीन शिव मंदिर के बारे में जानते हैं। पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा, वो भी यहाँ आए हुए हैं, वो भी इस मंदिर से वाकिफ हैं, वो भी इस मंदिर को अच्छे तरीके से जानते हैं, कौन सी जगह पर मंदिर है, कितने सालों से ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पर ये जो परिसर बनाया गया था, इस परिसर के साथ में यह फॉरेस्ट का जंगला लगा हुआ था, वो फॉरेस्ट का जंगला भी जो है उन्होंने तोड़ दिया है। वो आप देख सकते हैं कि सामने जो है तुलसी की क्या हालत की हुई है। ये सारा कुछ आज जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया। और आपको जानकर ये आप देख सकते हैं, ये मंदिर का सामान है जो बाहर निकाला है, ये सारा मंदिर का सामान है जो बाद में बाहर निकाला गया है। ये आप देख सकते हैं, ये सारा सामान मंदिर का है, जिस सामान को बाद में आकर जो है निकाला गया है। और जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं, उनका कहना है कि ना ही उन्हें कोई नोटिस दिया गया, ना ही उन्हें किसी बात की कोई जानकारी थी। और हैरानगी की बात यह भी है कि जो यहाँ पर स्थानीय पुलिस कर्मी हैं, ना पुलिस बल उनके साथ था, यानी पुलिस को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि JDA यहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव करने के लिए आई है। और JDA के जिन कर्मचारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा यह अवैध तरीके से सारा निर्माण किया गया था, इसीलिए इसको तोड़ा गया है। अब आप ये देख सकते हैं कि JDA ने बाकी सब कुछ तोड़ दिया, लेकिन ये प्राचीन शिव मंदिर, ये जो मंदिर का परिसर असल में है, इस मंदिर के परिसर के दाएं और बाएं तरफ दोनों तरफ नुकसान किया है, और वो भी उस समय नुकसान किया है जब पावन नवरात्रे चल रहे हैं। यहाँ के जो निवासी हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि नवरात्रे चल रहे थे, इन नवरात्रों के खत्म होने के बाद भी आप ये कार्रवाई कर सकते थे, और कार्रवाई करने से पहले आपने नोटिस देना चाहिए था। और उसके बाद इन निवासियों का ये भी कहना है कि जिस समय ये मंदिर बन रहा था, जब ये कंस्ट्रक्शन सारी दोनों तरफ से हो रही थी, इस परिसर का ये जो प्रांगण है आप देख सकते हैं, इसमें टाइल लगी है और ये कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं, आप देख सकते हैं कि ये पुरानी कंस्ट्रक्शन, ये प्रांगण है, यहाँ बैठने के लिए जगह थी, और इसे भी मुकम्मल तौर पर JDA ने तोड़ दिया है, इसे भी मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचाया गया है। निवासी यहाँ के मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? अनिल शर्मा सर। अनिल जी, मुझे ये बताइए कि आपको कब जानकारी मिली कि JDA के लोग यहाँ पर मंदिर तोड़ने के लिए आए? सर, ये कोई 2:30 बजे का वाक्य है। 2:30 बजे मुझे पंडित जी कॉल करते हैं कि भैया यहाँ पे JDA वाले आए हैं, बोलते हैं रूम खाली करो। यहाँ पे तो कोई था नहीं। हमने उनको बोला कि हमें 20-25 मिनट का टाइम दो, मैं पहुँच रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे ही मैं 20-25 मिनट में यहाँ पहुँचा हूँ तो आगे तोड़ दिया हुआ था। ये पता सब आए थे यहाँ पर, ये सारे यहाँ पे लोग थे, इकट्ठे हो गए थे, मगर वो JDA के दो लोग थे। मैंने उनको आके यही पूछा कि सर ये आपने तोड़वाया है? कहते हाँ जी। मैंने कहा आप बताएं कि आपके पास कोई नोटिस है या कुछ है? उन्होंने बोला हमारे साथ कोई बात नहीं करनी। मैंने बोला क्यों, किससे बात करनी है? आपने लगाइए JCB, हमारे ऊपर बात कीजिए, मैं आपके ऊपर कोई होगा तो उनसे बात करवाइए। अच्छा, आप अपने नंबर लो तो नंबर से बात करो। नंबर इनको दिया तो कॉल नहीं उठाई उन्होंने, बोलते हमारे साथ बात नहीं करनी। एक उनके साथ कोई अधिकारी आया था, उसने ड्रिंक करी हुई थी, तो मैंने उसको पूछा कि क्या बात है, क्यों तोड़ रहे हो? पहले वो गर्मो गर्मी पे आ गया इनके ऊपर, तो सीनियर एक हमारे यहाँ पे JDU साहब है, उनको बोलता कि तू करके बात करने लगा। सर, वो तहसीलदार हैं, कम से कम उनको रिस्पेक्ट उनकी दे रहे हैं, अगर तो उनको रिस्पेक्ट लेने की जांच भी चाहिए। मैंने उनको बोला तू मत करो, रहने दो जो है, तहसीलदार साहब को। इतनी देर हमने कॉर्पोरेटर साहब को कॉल किया, वो आए, उनने पूछा आगे, तो बोल रहा हमारे साथ कोई बात नहीं करनी। वो एज्ड है, वो उनको हमने इधर बिठाया। कॉर्पोरेटर के साथ भी उन्होंने बात नहीं की? नहीं की। क्या कहा कॉर्पोरेटर साहब? हमारे साथ बात नहीं करनी है।
आप ऊपर कहिए बात। उन्होंने बोला आप ऊपर बात करवाइए। तो उन्होंने कॉल की तो वो बोल रहे हैं तहसीलदार साहब आ रहे हैं। वो आए 10 मिनट के बाद, उन्होंने पूछा, हमने वहाँ थे तो हमने उनको बोला आओ आप तहसीलदार साहब हैं। हाँ जी, बिठाया कारपोरेटर साहब को, उन्होंने पूछा कारपोरेटर साहब आप तहसीलदार हैं? हाँ जी। उन्होंने पूछा ये क्या कर दिया आपने? क्या करना, जो करना था वो कर दिया। उन्होंने बोला कोई तरीका होता है, आपने अगर कुछ तोड़ना था तो हमें जहाँ पहले जितनी देर काम लगा हुआ था तो आपने बताना चाहिए था, जहाँ रोकना चाहिए था तब आके। पूरा ये हमारा काम थोड़ी है, ये हमने नोटिस दिया। उन्होंने बोला किसको नोटिस दिया? इनको दिया, इनको दिया, मतलब ड्रामाबाजी। नोटिस तो किसी को आया ही नहीं। उन्होंने बोला कि कुछ तरीके से बैठ के बात करो। बोला तू तू करके उनके साथ भी बात बोलने लगा। बोला मैं नहीं मानता कॉर्पोरेटर को, अगर वो नुमाइंदे हैं, लोगों ने, पब्लिक ने जिताया ना उनको, वो किसके लिए? उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं होगा, तरीके से बदतमीजी लगवा करने लगा जी, तोड़ने ये करने लगा, वो करने लगा। तो अपनी मर्जी से ही, मैं ये करना, जो करना कर लो, मत तोड़ तोड़ के। यहाँ पर अखंड जोत जल रही थी, हमने उनको बोला कि आप ये कार्रवाई 2 दिन के बाद भी कर सकते हो, आप प्लीज, हमने रिक्वेस्ट की कि अखंड जोत जल रही है, हमको थोड़ा सा मौका दो कि हम इस अखंड जोत को वहाँ से उठा के मंदिर के अंदर रख दें। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, एकदम बुलडोजर उठाया, दीवार को तोड़ दिया, अखंड जोत भी उसके नीचे ही चली गई, कोई मौका नहीं दिया। चेयर्स हैं यहाँ पर, बाकी सामान भी है, वो भी मलबे के नीचे चला गया। पंडित जी ने फ़ोन किया, हम घर में नहीं थे, हम बाहर से आए, उतनी देर पर ये सारा तोड़ फोड़ के समाप्त हो गया। मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जिस समय जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने यहाँ पर ये चेयर लगवाई, कॉरपोरेटर साहब को इस चीज़ की जानकारी थी, उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ लाइटें लगवाती है, इसका मतलब ये हो गया आधिकारिक तौर पर सरकार को पता है कि यहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर का परिसर है और मंदिर के साथ में आप मंदिर के साथ में एक और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अगर ये सारी जानकारी उनको थी तो क्या उन्होंने डिप्टी मेयर से, मेयर से, किसी से इस बाबत बात की या कॉरपोरेटर से बात की? एक महीने का ही टाइम हुआ है, ये पहले फ्लड आया था, मंदिर बह गया था, उसके बीच में हमने मूर्तियों की स्थापना की, जिसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष जो हैं अभी, मूर्तियों की स्थापना उस तरफ जो नया मंदिर बना उसमें की थी या इसमें पुराने वाले? हाँ, श्यामलाल जी भी आए थे, डिप्टी मेयर साहब आए थे, और भी कॉरपोरेटर साहब आए थे, चेयरमैन साहब आए थे, सबको नॉलेज में था ये लाइट्स ऐसे थोड़ी लग जाती है, सबकी नॉलेज में था तो तभी लगी ना। तो आज बिना बताए पुलिस को नहीं सुनाया, पुलिस के DSP साहब यहाँ से 24 घंटे जाते हैं, माथा टेकते हैं, किसी को इन्फॉर्म ही नहीं किया, आके तो अपनी मर्जी से तोड़ दिए। अच्छा, उसके बाद में बहाना लगाते हैं जी हमें यहाँ मंदिर पे किसी ने पत्थर मारा था। वो पत्थर कोई रोड पे चलता मार जाएगा, क्या किया था? किसी ने पत्थर मारा था तो हमने ये तोड़ दिया, ये कोई तरीका थोड़ी। पत्थर किसको मारा था? वो कोई उनका मुलाजिम होगा यहाँ आया हुआ, ऐसे ही बहाना था, तरीका थोड़ी था। बहाना पत्थर किसी ने था ही नहीं कोई। अगर कोई रोड का मसला है, रोड के ऊपर चलता रोड है, कल अगर परसों किसी ने पत्थर मारा भी, उनका काम था मंदिर की कमेटी के पास आते, बोलते कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो फिर हम इंक्वायरी करवाते ना। पत्थर किसी ने मारा तो मंदिर आपने यहाँ गिरा दिया। JDA के अधिकारी ये कहते हैं कि ये आपने अवैध तरीके से कब्जा किया है, अवैध तरीके से कब्जा करके आपने दोनों साइड से कंस्ट्रक्शन की है। हाँ बिल्कुल बोलते हैं, मगर वैसा हो कैसे सकता जब इतनी देर पुराना मंदिर है, ये इतना काम चला, इतना सब कुछ हुआ, यहाँ पे मूर्ति स्थापना हुई, भंडारे हुए यहाँ पे, वो उनके ऑफिसर यहाँ तक खाते रहे, तो वो सारा यहाँ बैठते रहे, डिप्टी मेयर साहब आए थे, श्यामलाल जी आए थे, कॉरपोरेटर साहब आए थे, सारे अधिकारी, ये ऑफिस इतने हैं। ये सिर्फ एक ही प्रश्न है, सिर्फ एक प्रश्न कि जब ये बन रहा था तब JDA वाले सोए थे, कहाँ पे थे? ठीक है, स्थानीय पार्षद जो हैं वो यहाँ पे मौके के ऊपर थे, सब उनके सामने बात हुई यहाँ पे, सबसे पहले हमें पता लगा, सबसे पहले हम यहाँ पे पहुँचे, और जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं हम देखते हैं कि उन्होंने ये वाली दीवार हटा दी है पूरी यहाँ से। तो जब हम उनको मना करते हैं तो उनका जो डिपार्टमेंट के 2 अधिकारी उनके आए थे, उन्होंने बोला हमारे साथ कोई बात नहीं करनी है, आप ऊपर बात करो, हमारे साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हमने उनको फ़ोन किया तहसीलदार को, उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। 2 बार हमने फ़ोन किया, उन्होंने दोनों बार हमारा फ़ोन नहीं उठाया। तीसरी बार फिर मेरे पिताजी ने फ़ोन किया, जो स्थानीय पार्षद हैं यहाँ के, उन्होंने फ़ोन किया, फिर उसके बाद वो आते हैं, वो भी आधे घंटे के बाद। जब वो आधे घंटे के बाद आते हैं, हमने सिर्फ उनसे एक ही बात पूछी, पहली बात हमने यही पूछी कि आप तहसीलदार साहब ये बात बताओ, जब ये बन रहा था तब आप सोए थे? उन्होंने बोला नहीं जी, वो बात अलग है, आपने एनक्रोच किया, ये क्या? हमने बोला अगर एनक्रोच किया है, आपके पास कोई नोटिफिकेशन है, कोई ऑर्डर है, कोई रिटर्न में कुछ है आपके पास, तो आप हमें बताओ। हालांकि सरकार ने साफ किया है पिछले दिनों कि अगर किसी भी जगह आपने तोड़फोड़ करनी है, पहले आपने नोटिस देना है,
नोटिस का लोग जवाब देंगे, उसके बाद जाकर आपने कार्रवाई करनी है। तो क्या मंदिर को कोई नोटिस मिला आज तक? आज तक किसको देना था? सर इतनी कितनी ऑफर, इतनी इधर कितनी ऑफर पड़ गई थी जो आज ही तोड़ना था? ये कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, यहाँ से प्रधानमंत्री ने जाना था, आज ही नरातों में इनको आफत पड़ गई थी कि नरात्रों में आके ये मंदिर तोड़े। जब ये बन रहा था, जैसे भाई साहब ने बोला, इन्होंने बोला, जब चीज बनती है, लाइट लगी, फॉरेस्ट का पैसा लगा, म्युनिसिपैलिटी का पैसा लगा, संतरी मंत्री सभी लोग आते हैं, जब आते हैं, ये तो कानून इशू बनाने वाली बात है, ठीक है ना? ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ये शर्मा क्योंकि ये भी तोड़ देते इनको, ये क्यों नहीं तोड़ा, ये श्रद्धालुओं का पैसा, ये क्यों छोड़ा इनको? सिर्फ इसी चीज का अफसोस है, सिर्फ एक ही अफसोस है हमें इस बात का कि नवरात्रों का सीजन चल रहा था, आपको पता है नवरात्रों का फेस्टिवल चल रहा है, आज छठा नवरात्रा है, मतलब हमारे साथ इन्होंने मतलब संगठन तौर पे, मतलब देखो, मतलब सेंटीमेंट के साथ हमारे साथ खेला है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखो, आठ दिन की पूजा थी, हमने म्युनिसिपैलिटी में चेहरे 1.5 साल पहले हमने प्लान में रखा था इसको, 1.5 साल हमें लग गया, उसके बाद आपको पता है टेंडर लगता है, फिर अलॉटमेंट होती है, अप्रूवल आता है, सब कुछ, उसके बाद जाके हमने ये म्युनिसिपैलिटी की चेहरे 10 जगहों पे हमें छोड़ के हमने यहाँ पे काम करवाया और आज इन्होंने ये हालत करी। 8 दिन की पूजा थी, 5-6 दिन की आज पूजा हो गई है। अगर वो 2 दिन वेट करते, 2 दिन वेट नहीं करते, हमारे पंडित जी को कहते आके कि ये अखंड ज्योत, आपको लग रहा है डिलीबरेटली नवरात्रों में? बिल्कुल नवरात्रों में किया गया जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सर ये नोटिस, सर किसको आना था नोटिस? आना था मुझे, जो आपसी प्रेम है, भाईचारा है, उसको बिगाड़ने का काम किया गया है और ये पूरी सोची समझी एक साजिश के तहत किया गया है, ताकि नवरात्रों में खासकर, और देखिए अखंड ज्योत चल रही थी, एक पूरा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है यहाँ के पूरे एरिया का, और खासकर इस मंदिर से किसी को भी आने जाने में भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैफिक बड़ी दूर से गुजरती है, बड़े दूर से, और सबसे बड़ी चीज़ ये देखी जाती है कि यहाँ पे सारे पार्षद यहाँ पे आए थे, उसके बाद हमारे डिप्टी मेयर साहब यहाँ पे होके गए हैं, जहाँ पे हमारे पूर्व मंत्री श्यामलाल जी यहाँ पे जब ये स्थापना दिवस हुई तब वहाँ पे आए हुए थे, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि ये JDA को इसके नोटिस में नहीं था, बहुत सारी मार्केट वहाँ पे अभी बनी हुई है, सामने ऊपर आके आप देख लीजिए, यहाँ शराब की दुकानें हैं बहुत सारे के, वहाँ पे उनका बलडोजर नहीं चला, वहाँ से ट्रैफिक जाम नहीं होता, आप ऊपर शराब की दुकान है देखिए, शाम को आप 7:30 बजे निकल नहीं सकते वहाँ से, 6 बजे से लेके 7 बजे तक इतना जाम होता है वहाँ से कि आप वहाँ से निकल नहीं सकते हैं ट्रैफिक। कई बार वहाँ ये खतरा भी लग महसूस होता है आपको, कहीं गाड़ी को क्रश करके, गाड़ी क्रश करके चली जाए, ये डर रहता है कि कई बार कोई हो सकता है कोई ऐसा वैसा एलिमेंट ना खड़ा हो कि अगर गलती से गाड़ी टच हो, उल्टा वहाँ से तो बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ता है। और सर शराब की दुकान से कोई खतरा नहीं है, और खोलो 5-10, इनको वो खतरा नहीं है, ये डेलिबरेटली साजिश है। जब सर खंड जोत जगी है, हमारे सेंटिमेंट होते हैं, हर धर्म के सेंटिमेंट होते हैं, हम हर धर्म की इज्जत करता हूँ, आपने कम से कम पढ़ा अखंड दो जो जगी वो आप बता रहे हैं कि उसको भी क्या कहते हैं उन्होंने बुझा कर दिया वो सर, अभी भी आप ये तो मलबे को पीछे हटाएंगे तो नीचे से निकलेगी वो अखंड जो आप इतना सोचो कि हमारे लोग फिर भी कितने सुलझे हुए लोग हैं जो सबर रखा है फिर भी हमें बता दे कि किसी ने पत्थर चलाया हो किसी ने किसी को थप्पड़ मारा हो कम से कम भी 500 लोग हमारे यहाँ पे थे कम से कम भी उसके बाद शाम को और अधिक मात्रा में यहाँ पे आए किसी एक बंदे ने भी अगर किसी को टच किया हो हम कोई वैसे इंसान नहीं है तो अब आप चाहते क्या इस मामले में सर इंक्वायरी हो जो भी तहसीलदार साहब के साथ इंक्वायरी हो जो नुकसान हो उसका जो नुकसान है जिम्मेवार कौन है कौन है जिम्मेवार इस नुकसान का यहाँ पे जवाब म्युनिसिपैलिटी का नुकसान हुआ फॉरेस्ट का नुकसान हुआ लोकल बंदों ये किसका पैसा हमारा पैसा है टैक्स अभद्र भाषा का प्रयोग जो जिस अभद्र भाषा का प्रयोग तहसीलदार ने किया है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहसीलदार ने तहसीलदार बहुत से डिपार्टमेंट के तहसीलदार है लेकिन ये एक वाहिद ऐसा इंसान था जो महाबदतमीज पता नहीं कहां से इसकी परवरिश हुई है इतना बदतमीज इंसान है हमने आज तक कभी नहीं देखा तो आप सुन सकते हैं कि ये शिव मंदिर ठीक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से थोड़ा सा आप ऊपर आते हैं ये शिव मंदिर मुझे भी इस मंदिर को देखते हुए लगभग 14 साल हो गए हैं और लगातार अगर मैं कहूं तो 1-1.5 साल से मैं भी इस मंदिर को आते जाते देखता रहता हूं मैंने कभी यहां इस मंदिर के दाएं बाएं कभी ना तो JDA का कोई अधिकारी देखा ना कभी यहां के निवासियों से सुना कि JDA के किसी इंस्पेक्टर ने या किसी सुपरवाइजर ने कभी इन्हें कोई चिट्ठी दी हो कोई नोटिस दिया हो या इनको कभी ये कहा हो कि आपने सरकारी जमीन के ऊपर या JDA की जमीन के ऊपर कब्जा करके ये मंदिर बनाया है ये कभी सुनने में मेरे नहीं आया मैंने अक्सर यहाँ श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना करते हुए देखा एक बात तो इनकी बिल्कुल सही है कि नवरात्रों के पावन दिन चल रहे थे तो नवरात्रों में ही ये बुलडोजर चलाने का या यहाँ पे JCB चलाने की क्या जरूरत थी अखंड जो जली हुई थी अगर आप 3 दिन का और इंतजार करते 3 दिन के बाद अगर आप आते यहाँ के पार्षद को साथ लाते और उसके बाद जाकर अगर ये सारा कुछ आप करते तो शायद लोग इस तरीके से आक्रोश में नहीं आते जिस तरीके से आज लोग आक्रोश में आए मुझे यहाँ पे लोगों ने ये भी बताया कि काफ़ी देर तक यहाँ पर
ट्रैफिक भी बंद किया गया, और उसके बाद जब प्रशासन ने इनको इस बात का विश्वास दिलाया कि हम बात ऊपर वाले लेवल पर करेंगे और इस मसले का कोई निपटारा होगा, तब जाकर लोग थोड़ा शांत हुए हैं। लेकिन अखंड ज्योत यहाँ जली हुई थी, उसको बुझाया गया है, ये भी आपने सुना। इन यहाँ के इन मंदिर से जुड़े हुए चाहे पंडित हों या श्रद्धालु हों, उन सबका ये कहना है। दूसरा ये कि अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इतना काम यहाँ पर किया है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई, लाइटें लगाई, ये सारा काम जो हुआ, उसके बाद डिप्टी मेयर यहाँ पर आए हैं उसकी तस्वीरें हैं, पूर्व मंत्री यहाँ आए हैं उसकी तस्वीरें हैं, और आते जाते बहुत सारे ऑफिसर पुलिस के और प्रशासन के लोग जो हैं यहाँ से माथा टेकते हुए, मैंने कई बार अफसरों को यहाँ पर माथा टेकते हुए भी देखा है। तो इसका मतलब जो कंस्ट्रक्शन दूसरी तरफ हो रही थी वो भी सबकी नज़रों में थी। तो जब कंस्ट्रक्शन हुई, जब ये सब कुछ बन रहा था, तब JDA कहाँ था, और जब ये कंस्ट्रक्शन हो गई उसके बाद आकर ये सब कुछ JDA ने क्यों किया, ये सवाल इनका है। और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमारी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की गई है, हमारी भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई है, और JDA ने इनके मुताबिक ये सब कुछ डिलिबरेटली किया है, जानबूझकर किया है, और ये ध्यान में रखते हुए किया है कि इस समय नवरात्रे चल रहे हैं और आज छठा नवरात्रा है। उम्मीद और तवक्का ये कि प्रशासन इस बात की सुध लेगा, इस मामले में एक इंक्वायरी ऑर्डर करेगा कि इन पावन नवरात्रों में ही इस JDA की JCB को चलाने की जरूरत क्यों पड़ी, 2-3 दिन का इंतजार क्यों नहीं किया गया। और जैसा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि किसी भी जगह अगर आप JCB लगाते हैं, पहले आप नोटिस देंगे, नोटिस का जवाब देने के लिए लोगों को वक्त देंगे, उसके बाद जब आपको नोटिस का जवाब मिलता है, आपको लगता है कि जवाब ठीक नहीं है, फिर जाकर कानूनी कार्रवाई बनती है। लेकिन ना आपने नोटिस दिया है, ना नोटिस दिए बगैर आप आए हैं, और एक धार्मिक स्थल है जिसके साथ यहाँ के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। किसी भी धार्मिक स्थल को, खासकर उस समय जब उस धर्म और उस समुदाय विशेष के पावन दिन चल रहे हों, इस तरह की हरकत करना किसी भी तरीके से मैं मानता हूं सही नहीं है। उम्मीद और तवक्का है कि प्रशासन इसकी सुध लेगा, इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, और जो नुकसान यहां पर हुआ है उस नुकसान की भरपाई भी करेगा।